मोगा शहर में लंबे समय से लटक रहे विकास के कार्यों को लेकर आज पूर्व खेती बाड़ी मंत्री तोता सिंह के निवास स्थान पर उनके पुत्र और पूर्व पंजाब हेल्थ कॉरपोरेशन में रहे चेयरमैन बरजिंदर सिंह ब्राड और अकाली भाजपा के पार्षद शामिल हुए और मोगा में हो रहे विकास के कामों के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर बरजिंदर सिंह ब्राड और पूर्व नगर पार्षदों ने बताया कि मोगा नगर निगम को बने 5 साल हो गए हैं और 3 साल से कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, लेकिन पिछले 3 सालों में मोगा नगर निगम द्वारा कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। लेकिन अब जब 8 मार्च को नगर निगम के पार्षदों की टर्म समाप्त हो गई है, तो उसके बाद अब मोगा के MLA ने मोगा में विकास करवाने की बात कही है और जगह जगह टक लगाने शुरू किए गए हैं, जबकि यह काम पुराने समय में पास किए गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि जो अकाली भाजपा की सरकार थी, उस समय जो विकास का कार्य शुरू हुआ था वह भी बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि जो पिछले समय में 68 कामों को शुरू करवाने के लिए टेंडर भी पास हुआ था, लेकिन वह रोक दिए गए हैं। अब MLA ने उन्हीं कामों को करवाने की बात कही है, जबकि यह काम 2019 में पास कर दिए गए थे। इस मौके उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। असी जदों दे ये सरकार बनी है कांग्रेस की, असी MC रहे हैं सरकार के दौरान, साढ़े हर विकास के काम के सरकार द्वारा MLA साहब द्वारा जोड़ा अड़का लाया गया। इस वास्ते असी थोनू याद होगा, अज तो तकरीबन 1.5-2 साल पहला असी 1 महीने वास्ते धरना भी लाया गया सीगा भी साढ़े जिहड़े विकास के कामां दे विच जिहड़ी सरकार पक्षी जिहड़ी आ रोड़े अटकाए जा रहे हैं। इस पोजीशन ये बन गई, उदों भी सरकार ने सानू काम नहीं करन दिता, जे साढ़े काम पास से तो कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई टैक्नीकल गल रख के, जां कोई किसी तरीके का प्रोग्राम बना के उन्होंने जिहड़ा वह काम नूं रोकिया। इस करके हुण जिहड़ी पोजीशन ये सीगी, पिछे जे साढ़े एक काम असीं पास कराए सी, मेरे कोल उहदी पिक्चर आ, इह ये असी 4/10/2019 नूं जिहड़ा ये बैड खोलनी सीगी, टैक्नीकल बैड, जिहड़ी फाइनैंशली बैड सीगी वह अगले दिन खोलनी सीगी, जिहड़ी फाइनैंशली बैड उदों जाण के रोक दित्ती गई। फाइनैंशली बैड जिहड़ी है वह हुण साडी जदों टर्म खत्म होई 8 मार्च, उस तो बाद खोली, तो वह काम जिहड़े आ MLA साहब की पोजिशन ये बन चुकी है, वो जाण बुझ के जिहड़े MC ने यह काम कराए उन्हां दी बेइज्जती कर रहे आ, वो उन्होंने वार्ड च जाके उन्होंने घर के कोल खड़ के दूसरे बंदे नाल लैके भी जरूरी नहीं समझते भी उस जिहड़ा जिन्हें इन्नी 5 साल नुमाइंदगी की इस वार्ड की उन्होंने भी नाल बुला लीए। जदों कि MLA साहब है, उस MLA सारे शहर के है, वो कल कांग्रसियों के MLA नहीं गए, जिहड़े MC जित के आए हुए है, जितते हुए पुराने MC है, वह भी उन्होंने वसनीक है शहर के, उन्होंने भी सत्कार मिलना चाहिए। पर MLA साहब की एक आदत बन गई है कीती कराई चीज़ के उपर ठप्पा ला दी। असी इत्थे सारे ही MC साहबान जो मोगा नगर निगम के आपकी टर्म हंडा के आए है, वो सारे एकत्रित होकर अज असी जी संबोधन किया प्रेस न, और सारिया ने एक ही चर्चा का विषय से साडा कि जिहड़े साडे इत्थों दे विधायक ने मोगे शहर जां मोगे हल्के दे, उह विधायक साहब किस पद्धर ते आपदे कोले किस कानून दे तहत, जबकि मता पिया होया उन्होंने आपदे कोले कमरा रख्या होया, इंटरफीरेंस साहब दी वधाई होई है, और इहदे अलावा जिन्ने काम कार इन्हां दे टर्म विच बने जां इन्हां ने पास कीते, उन्हां दे आप दीआं मूहरां ला ला के पहलां किसी नूं कोई काम शुरू करन नहीं दित्ता, हुण टक ला ला के इक फूकी शोहरत की खातर ਸਾਡੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਚ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੂ। ਮੋਗਾ ਸੇ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ।